पटौदी के गांव ताजनगर में मौजूद है। और जो आप मेरे साथ ये रोड देख रहे हैं, ये ताजनगर से जोनियावास का रोड है। फिर ये सुनाई होगी कैसे, जैसे आप मेंबर हो तो आपकी तो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये रोड आज से नहीं टूटी हुई, इस रोड को कम से कम 4-5 साल हो गए इसी कंडीशन में हमें देखते हुए। पक्की सड़क हो जाए काफी अच्छा होगा, स्कूल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें जो कुछ घरों का पानी आता है और जो घरों का पानी है उसकी जिम्मेवारी बीडीओ विभाग की होती है, और अगर इनका परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो पीडब्ल्यूडी विभाग को बीडीओ विभाग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनका चालान इनको काटना चाहिए। लेकिन हम पटौदी के गांव ताजनगर में मौजूद है, और जो आप मेरे साथ ये रोड देख रहे हैं, ये ताजनगर से जोनियावास का रोड है जो काफ़ी गांवों को आपस में मिलाता है। यहाँ के एक जागरूक नागरिक होने के नाते विकास यादव ने हमें इस समस्या को हमारे सामने रखा, और इस समस्या की कवरेज के लिए आप हम यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बार उन्हीं की जुबानी इस समस्या के बारे में जानेंगे। ये जो क्या नाम है आपका? जयलाल। ये जो रोड टूटा हुआ है कितने दिन से समस्या है? ये काफ़ी दिन से जी, इसकी कई बार शिकायत कर चुके हैं, और हमारे यहाँ से IMT में बहुत डेली पैसेंजर हैं जो जाते हैं, और उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार यहाँ से दूध वाले निकलने वाले भी गिर चुके हैं, जिनके ड्राम भी टूट चुके हैं और उन्हें हादसा भी हो चुका है। जब आप इसकी शिकायत करते हैं, क्या शासन प्रशासन कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनाई करता है जी, आश्वासन खाली भाई हम करवा देंगे, उसके बाद में कोई आता नहीं देखने। ये लगभग कितने साल से, कितने समय से ये समस्या है? काफी समय से ये समस्या चल रही है जी। ठीक है जी, तो बाबा आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो रोड की व्यवस्था है, जो आपके गांव के जो सरपंच वगैरह हैं, क्या वो इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता? कोई नहीं, हमने कई दफा कह चुके हैं, हम उससे पंचायत का मेंबर भी है, और कई बार कह चुका है कोई आवे, बड़ी दिक्कत हो जाए। आप तो ऐसा बताया जा रहा है कि आप तो खुद पंचायत के मेंबर हैं। हाँ जी, फिर ये हमें कई दफा कह ली, सरपंच कह ली, प्रशासन से कह ली, कोई सुनाई नहीं हो रही है। फिर ये सुनाई होगी कैसे, जैसे आप मेंबर हो तो आपकी तो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कई दफा जरा बताते कहा, कोई सुनाई नहीं कर रहा है कोई। ठीक है जी, ये खुद एक कुल मिला के जो पंचायत है उनका हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस समस्या के बारे में? हमें समस्या ज्यादा है, आता जाता लोग बहुत दुख पा रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ये आप समस्या देख रहे हैं, जस्ट इसके बाद बच्चों का मिडिल स्कूल है, और उसके बाद जो दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हम देखिए, मतलब इस रास्ते से आपने देखा होगा बच्चे किस तरह से निकलते हैं। अभी 2 दिन से बरसात नहीं है, बरसात ना होने की वजह से काफ़ी पानी यहाँ से सोख चुका है, लेकिन आप इस व्यवस्था को देखिए, 2 दिन से यहाँ कोई 2-3 दिन से कोई बारिश नहीं है, 2-3 दिन नहीं, काफ़ी दिनों से कोई बरसात का वो नहीं है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। बच्चे इस व्यवस्था में पढ़ने के लिए किस तरह से यहाँ से जाते होंगे? तो ये यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा झील है, तो कई बार प्रशासन से कही तो प्रशासन ने यहाँ पे रोड फिल कंक्रीट डलवाने के बजाय इसके अंदर मिट्टी और डलवा दी, तो मिट्टी के कारण ये घरों का भी पानी यहीं पे आता है और बरसात का भी पानी, और यहाँ पे सारा झील होने के कारण यहाँ पे इकट्ठा होता है, और पूरे दिन यहाँ से हाईवा चलते रहते हैं, जोर कहीं पे बरत हो रहा है, JCB चल रही है, तो वहाँ से हैवी वाहन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उसके कारण ये एक किस्म का कीचड़ हो रहा है, बहुत ही मतलब दलदल टाइप का कीचड़ है, और इसके अंदर से कई बार बच्चे फिसल भी जाते हैं, कोई बाइक सवार है या कोई स्कूटी सवार है या, और इसके अंदर से या आप ये समझ सकते हो, क्योंकि वेयर हाउस हब है हमारे यहाँ पे, तो वेयर हाउस हब के अंदर डेली यहाँ से जोनियावास, ताजनगर, तिरपड़ी, खंडेवाड़ा, बिसुंडा और बहुत सारे गाँव के व्यक्ति यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं, तो इनको रोज़ आमजन को भी यहाँ पर। मतलब आप कब से इस इनकी शिकायत करने लग रहे हैं? हमने तो जी काफी दिन हो लिया इसकी शिकायत करते करते, लेकिन प्रशासन तो इसको देखता ही नहीं आके। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग वोट डालते हैं, आपकी सरकार में भागीदारी है? वोट के टाइम पे तो जी बड़ी मीठी मीठी बात करे, जब तो हम बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, जब तो बैठा भी खवास के, लेकिन अब नहीं आते। अभी हाल ही में कुछ समय बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें आप किन मुद्दों को लेकर ये सरपंच को चुनने जा रहे हैं? हम तो जी पहले तो रास्ता की बात करांगे, अगर जो रास्ता ही नहीं है बालका के आने जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसमें वोट किस बात की देंगे हम? ठीक है, मैं चाहता हूँ हर गांव में इस तरह की मुहिम शुरू हो, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है, ये समस्याएं बहुत छोटी है, लेकिन हमें आदत हो गई है इस तरह से, हमें इस तरह की समस्याएं बड़ी साधारण लगने लग गई है। इस तरह की समस्याएं जो है वो हर गाँव की, हर क्षेत्र की इस तरह की समस्याएं हैं।
हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। करोड़ों रुपए का पैकेज स्कूलों को दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था के तहत हम उनको क्या शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को? यहाँ से लड़कियाँ भी निकलती होंगी, लड़के जो आपके सामने रोड है, आप कितने समय से यहाँ से गुजर रहे हैं? सर हमारा तो यहाँ से रोज का निकलना आना जाना होता है, रोज यही समस्या से सामना करना पड़ता है। हमें तो दो बूंद बारिश की आते ही इतना बुरा हाल हो जाता है, यहाँ से रोड से आसपास की ढाणियों में से निकाल के लेके जानी पड़ती है स्कूटी। यहाँ तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं, मतलब क्या कुछ मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि इस रोड को तो ना बिल्कुल ठीक करवाया जाए, क्योंकि ये मेन चलने वाला रोड है, जहाँ से उसके गांव जो जोड़ियावास से ताजनगर की तरफ आएंगे उनका तो कोई और रास्ता ही नहीं है, सिर्फ यही मेन रास्ता है। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पर ई डॉक्टर क्लिनिक में लगी हुई, ई डॉक्टर क्लिनिक ताजनगर में। ओके ओके, तुम आपको नहीं लगता देश में जो लगातार मार्केटिंग होती है, वोट मांगते हैं लोग, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या मतलब क्या क्या महसूस करते हैं आप इस व्यवस्था को देखकर? इस व्यवस्था को तो देख के देखते सिर्फ ये वोट के लिए ही सब कुछ होता है कि भाई हमें वोट लेनी है, इसीलिए हम रोड ठीक करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, नतीजा कुछ भी नहीं होता। ये रोड आज से नहीं टूटी हुई, इस रोड को कम से कम 4-5 साल हो गए इसी कंडीशन में हमें देखते हुए। आप देख रहे हैं स्कूल की लड़कियाँ, स्कूल की छुट्टी हो गई हैं और ये स्कूल की बच्ची आ रही है, हम एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा एक मिनट रुकोगे? बेटा जो ये आप इस रोड की व्यवस्था आप देख रहे हो, कितने समय से है ये? एक साल तो हो गया। एक साल हो गए, फिर आप इस परेशानी से आप निकलते हैं, क्या कुछ आप मांग करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? बस पक्की सड़क हो जाए, काफ़ी अच्छा होगा, स्कूल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ताकि टेक्निकल जानकारी देने के लिए कि क्या इसका समाधान है, क्यों ये समस्या है, हमारे साथ RTI कार्यकर्ता कुलदीप जी मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे। कुलदीप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने इस समस्या के बारे में सुना, लोगों को सुना? ये जी जो PWD के जो रोड होते हैं वो 6 करम से ऊपर जो रोड होते हैं रास्ते, उस पर PWD काम करती हैं, और जिस टाइम पे जो पहली सरकार आई थी BJP के हरियाणा में, तो जब PWD के मिनिस्टर राव नरबीर जी थे तो उस टाइम पे एक प्रस्ताव पास किया गया था कि किसी भी PWD के रोड पे अगर कहीं से भी जो पानी आता है रोडों के ऊपर उससे जो नुकसान होता है, तो जिनका भी वो पानी होगा उनके ऊपर 50,000 रुपये का चालान होगा। तो जो हमने ये यहाँ वाला मैटर देखा है अभी, तो इसमें जो कुछ घरों का पानी आता है और जो घरों का पानी है उसकी जिम्मेवारी BDO विभाग की होती है, और अगर इनका परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो PWD विभाग को BDO विभाग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनका चालान इनको काटना चाहिए। लेकिन होता क्या है हमारे शासन के अंदर कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। अगर एक PWD विभाग एक नोटिस BDO विभाग को भिजवाए तो वो जो ग्रामीणों का जो पानी है घरों का जो निकासी होती है वो उसका सॉल्यूशन करेंगे, और जो ये रोड टूटता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे रोड यहाँ ये पैच बना हुआ है, एक्चुअल क्या PWD के रोड बहुत बड़े बड़े रोड होते हैं, लंबे रोड होते हैं, वो ऐसे बारिशों में नहीं टूटते हैं, लेकिन अमूनन इसके ऊपर जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ साल के 365 दिन पानी इकट्ठा होता है, तो थोड़ा झील होने के कारण वो पानी इकट्ठा हो रहा है और कंटिन्यू रोड टूट रहा है यहाँ पर। तो जब तक जो विभाग है वो अपनी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे अच्छे से, तब तक ऐसी समस्याएं गांव में बनी रहेगी।